नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं चुनावी संग्राम की खबर के साथ। सोशल मीडिया पर चुनावी संग्राम देखने को मिला है राजनांदगांव के प्रत्याशियों के बीच में। कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल और संतोष पांडे ने एक्स पर पोस्ट किया। पहले भूपेश बघेल ने लिखा संतोष का कुछ फल नहीं मिला, उसके बाद संतोष पांडे ने लिखा कका को जनता ने फल चखा दिया है। तो अब सोशल मीडिया पर ये जुबानी जंग देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस जंग को धार देने का काम किया है पूर्व सीएम भूपेश बघेल के इस पोस्ट ने, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बघेल ने लिखा है कि संतोष का कुछ फल नहीं मिला, जिसके जवाब में संतोष पांडे लिखते हैं कि कका को जनता ने फल चखा दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर चुनावी संग्राम राजनांदगांव के प्रत्याशियों के बीच में ये वार देखने को मिल रही है। भूपेश बघेल, जो कांग्रेस के राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं, उन्होंने इसको पोस्ट लिखा है और कहा, पूरा पोस्ट मैं आपको सुना रही हूं। कहावत है कि संतोष का फल मीठा होता है, लेकिन राजनांदगांव की जनता कह रही है कि संतोष का कुछ फल ही नहीं मिला। संतोष के खिलाफ भारी असंतोष है यहां। युगल हमारे साथ, हमारे सहयोगी रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, अब कल तक बयानबाजियां हो करती थी और अब जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो ऐसे में जुबानी जंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर अन्य जो सोशल साइट है, लगातार इसके माध्यम से जो नेता हैं वो एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो राजनांदगांव के जो प्रत्याशी हैं संतोष पांडे पर तंज कसते हुए कहा है, लिखा था कि सब्र का फल तो संतोषजनक होता है, लेकिन बिल्कुल यहाँ किसी तरह से संतोष है ही नहीं। तो उसके जवाब में संतोष पांडे ने ट्वीट करके भूपेश बघेल को जवाब दिया है और लिखा है कि ये मोदी की गारंटी है, हर कोई जानते हैं कि राजनांदगांव में कितना विकास का काम हुआ है। उल्टे पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए संतोष पांडे ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह की अराजकता बढ़ी, अपराध का गढ़ बना दिया गया। तो उल्टा ये कहा जा सकता है कि संतोष पांडे ने निशाना साधा है और सोशल मीडिया में जमकर इस तरह के बयानबाजी हो रही है। इससे पहले भी बीजेपी एक एक प्रत्याशियों के जो पोस्टर हैं वो लगातार जारी कर रहे हैं। तो ये सब कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया चुनाव के समय जमकर उपयोग हो रहा है। जी तो युगल तिवारी हमारे सहयोगी पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे रहे थे। राजनांदगांव में इस प्रत्याशियों के बीच में जुबानी जंग जो छिड़ी हुई है उसको लेकर, तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगना जारी है। कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इन लोगों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कराई। वीडी शर्मा का कहना था कि हर बूथ मोदी युक्त बूथ बन रहा है और बूथ जीतने का संकल्प है। कैबिनेट मंत्री विजय शर्मा ने दावा किया, विजय शाह ने माफ कीजिएगा, दावा किया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतेगी। अगर किसी को एक सीट कांग्रेस के जीतने का अनुमान है तो वो बताए और इनाम पाए। विजय शाह ने कहा कि इस बार बीजेपी 100% छिंदवाड़ा जीत रही है। गलत है, हम 28 नहीं 29 सीट दिखने जा रहे हैं। वो सीट का नाम बताओ और इनाम पाओ जो हम हारने जा रहे हैं। छिंदवाड़ा को लेकर कितना कॉन्फिडेंट ले जा रहे हैं? 100% ज्यादा कुछ होता नहीं है, इसलिए 100% से ऊपर मेरा बोलना अतिशयोक्ति कहलाएगा, लेकिन दावे से कह रहा हूं मैं छिंदवाड़ा में जीतने जा रहे हैं।
वहीं कांग्रेस भी दावा कर रही है मध्य प्रदेश में 15 सीटें जीतने का। ओपिनियन पोल में कांग्रेस की हालत को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया, दावा किया कि हम लोग चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। 10 प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट सामने आई है उसमें जीतने वाले नाम है। पीसी शर्मा ने दावा किया है कि ओबीसी, एसटी, एससी, किसान, युवा सभी वर्ग कांग्रेस के साथ हैं। डिक्लेयर हुई है 10 सीट, उन 10 सीटों में से कम 50% विनिंग कैंडिडेट हैं। चाहे आप बात करें छिंदवाड़ा की नकुलनाथ जी की, आप बात करें मंडला की मरकाम जी की, आप बात करें सतना की जो सिटिंग विधायक कुशवाहा जी, मुरैना की बात करें तो ये यहाँ पर सिटिंग विधायक मुरैना, तो ये सीटें इस समय वो है। और ये मान के चलिए कि जो पिछले समय से कांग्रेस को ओबीसी में वोट नहीं मिल रहा था, इस समय ओबीसी वोट भी काफ़ी अच्छी तादाद में कांग्रेस को मिलने वाला है। और अगर ये सब नहीं होता तो ये बीजेपी इधर तो उधर फोड़ ये वो इतने इवेंट मैनेजमेंट क्यों कर रही है। इस बार 2009 की तरह 12-15 से ज्यादा सीटें मतलब। बड़ी खबर बालाघाट से आपको बता रहे हैं, जहां व्यापारी के साथ मारपीट की गई है, नाली निर्माण को लेकर मारपीट की गई। 3 आरोपियों पर मारपीट करने का आरोप है, तलवार से हमले की कोशिश भी की गई है। ये घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, सीसीटीवी फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर है जो आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में जो व्यापारी वर्ग है वो कोतवाल थाना पहुंचा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर। जो आरोपी हैं वो सभी धर्म विशेष के बताए जा रहे हैं, और यहां एक व्यापारी के साथ मारपीट की गई है नाली निर्माण को लेकर। आरोप है कि हमलावरों ने तलवार से भी हमले की कोशिश की। छतरपुर में अफीम की खेती पर पुलिस ने छापा मारा है, 2.5 लाख अफीम के पौधे जब्त किए गए, साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1.5 बीघा जमीन में अफीम की फसल बोई गई थी, तो अफीम की खेती यहां पर की जा रही थी, यहां पर पुलिस ने छापा मारा। क्षेत्र में ये अफीम की खेती की जा रही है और इसमें पुलिस विधि अनुसार कार्रवाई कर रही है। मौके पे 2 व्यक्ति मिले हैं जिनको अभिरक्षा में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है और NDPS एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है। जो मोटे तौर पे अभी प्राथमिक आंकलन किया गया है 2 से 2.5 लाख के आसपास ये अफीम के पौधे लगे हैं जिनको विधिवत जब्त। खेल अलंकरण पर सियासत गर्मा गई है, महापौर एजाज ढेबर ने चेतावनी दी, अलंकरण समारोह में नहीं बुलाने पर चेताया कि अधिकारी संभल कर रहे, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, अगली बार कांग्रेस की सरकार आएगी तो तैयार। तो छत्तीसगढ़ में यह खेल अलंकरण समारोह था जहां पर महापौर को नहीं बुलाया गया। पता नहीं बाकी चीजों में जिस तरीके से एक सरकार का जो प्रोटोकॉल बनता है उस प्रोटोकॉल में महापौर जो होता है वो शहर का प्रथम व्यक्ति होता है, और प्रथम व्यक्ति होने के नाते लगभग ऐसे कई सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के अभी हुए हैं जिसमें महापौर को इग्नोर किया गया है। उसमें कई जगह सिर्फ पहला कार्यक्रम नहीं है, इसके पहले भी और बहुत सारे कार्यक्रम हैं जहां पर महापौर के नाम को हटाया गया है, महापौर का नाम ही नहीं लिया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्या ये सबका साथ सबका विकास वाली बात करना चाहते हैं? जो ये जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोटोकॉल होता है उसको ये भूल गए हैं। और जो अधिकारी और जो लोग हैं अभी, मैं उन सबको आपके माध्यम से ये सचेत करना चाहता हूँ कि सरकारें आती है और जाती है, हमारी भी सरकार थी, हमने कभी प्रोटोकॉल नहीं खोया, कभी हमेशा हमारे प्रोटोकॉल में हमेशा नगर निगम में जितने भी उस समय विधायक सांसद नेता प्रतिपक्ष जितने भी थे हमने सबको उसमें स्थान दिया। मगर अभी की सरकार, अभी के जो अधिकारी कर्मचारी ये सब भूल गए हैं, सरकार आते रहती है और जाते रहती है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिसकर्मी पत्नी हत्या मामले में सफलता मिली है, आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश से प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है, हत्या के लिए रायपुर आया था प्रेमी, मुंबई और यूपी में पुलिस की टीम ने दबिश दी और यूपी से इसकी गिरफ्तारी हुई है।
तो हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए प्रेमी रायपुर आया था। मुंबई और यूपी में भी इसको ढूंढा गया, दबिश वहां पर पुलिस की टीम ने दी। उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घर में सो रहे दंपति पर तलवार से हमला किया गया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई, पति भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। उज्जैन की खबर, जहां पे दंपति अपने घर में आराम से सो रहा था और वहां घर के अंदर हमला किया गया, जिसमें महिला की मौत हो गई और जो महिला का पति है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। झाबुआ में लव जिहाद का मामला सामने आया, शादी की झांसा देकर जहां लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया। नाम बदलकर आरोपी ने खरगोन की लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसका शोषण किया। लड़की पहले से ही शादीशुदा थी और उसके पति से उसका तलाक भी करवाया। महिला ने झाबुआ में सरकारी क्वार्टर में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया। जब महिला गर्भवती हुई तो उसका आरोप है कि उसे भगा दिया। पीड़ित युवती एक महीने का बच्चा लेकर शिकायत करने थाने पहुंची। झाबुआ के रहने वाले आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लव जिहाद के काफी समय से विषय आते रहते हैं, बाकी कुछ बहनों के साथ अंदर का अंदर शोषण होता जाता है, कुछ बहनें खुल के आती नहीं है, तो इसके लिए जो बहनें हमारे को बताती है हम उनके लिए लड़ते हैं। ये अभी वाले जो दीदी का जो प्रकरण आया है, इसमें एक और केस आया है कि उसने एक और हिंदू बहन से कई बीच में शादी कर रखी है, उसको भी आए दिन झूठ बोलते आ रहा है। ऐसा हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसे व्यक्तियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। पीड़िता ने यहाँ पे अपनी शिकायत की थी तो उसकी शिकायत के आधार पर 0 पर FIR दर्ज कर ली गई है और संबंधित घटना स्थल का जो थाना क्षेत्र है वहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है अश्लीलता पर। भारत सरकार ने एक्शन लिया। 18 OTT प्लेटफॉर्म, 10 ऐप पर कार्रवाई की गई। 19 वेबसाइट, 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन किया गया। भिलाई की महिलाओं ने मांग की थी, न्यूज 18 के जरिए इस मांग को भिलाई की महिलाओं ने रखा था। दिवंगत राजा और पूर्व विधायक देवव्रत सिंह की मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम निरस्त हो गया है। नगर परिषद ने कहा कि राजा देवव्रत सिंह की मूर्ति का काम अभी अधूरा है और उनके परिवार से बात करने के बाद ही मूर्ति का अनावरण होना चाहिए। राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व CM भूपेश बघेल आज देवव्रत सिंह की मूर्ति का अनावरण करने वाले थे। दिवंगत देवव्रत सिंह की धर्मपत्नी विभा सिंह ने कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री को मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की थी और CM साय को खत भी लिखा था। विभा सिंह ने आरोप लगाया था कि भूपेश बघेल सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनके पति के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रतिमा की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। मेरे पति स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी का मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है कल, जिसकी सूचना मुझे आज मिली है और मुझे किसी तरीके से ना बताया गया, ना बुलाया गया और न ही मेरे से कोई कंसर्न ली गई। और लोकसभा प्रत्याशी राजनांदगांव के जो इसका अनावरण कर रहे हैं, उन्होंने वो इतने सीनियर पद पे होते हुए, इतने सीनियर पर्सन होते हुए भी उन्होंने जरा सा भी ये नहीं सोचा कि किसी महिला को जिनके पति का स्वर्गवास हुए 2 साल हुए हैं मात्र, उनको इस तरह से पीड़ा देना उचित नहीं है। अनूपपुर जिले की पवित्र नगरी अमरकंटक में छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव पहुंचे। अरुण साव ने कल्याण सेवा आश्रम में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव ने सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। साथ ही शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह को प्रचंड मतों से जीत दिलाने की अपील की। इससे पहले उन्होंने माँ नर्मदा के दर्शन किए और आरती की। साव ने महामृत्युंजय कल्याण सेवा आश्रम में साधु संतों से आशीर्वाद भी लिया। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय